हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी मारवाड़ी कढ़ी। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें खड़े मसालों का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही मस्त लगता है। चलिए आज हम ट्राई करते हैं मारवाड़ी कढ़ी। तो इसके लिए हम लेंगे एक कप बेसन। तो फ्रेंड्स, ये करीब 4 चम्मच बेसन है। तो इसे इस तरह से हम बोल में डाल देंगे। और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 ग्लास मैंने छाछ लिया है। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप इसमें 250 ग्राम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें करीब 1 लीटर पानी हमने डाल दिया है। और इसे लकड़ी की मथानी से इस तरह से मथ लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फ्रेंड्स, बेसन का घोल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम लेंगे खड़े मसाले। तो ये हमने लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 1/4 चम्मच सौंफ और 2 हरी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 2 लौंग, 2 तेज़पत्ता और थोड़े से धनिया के बीज। और हम इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई दाना। राई दाना ना हो तो आप सरसों के दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा भून जाए तब इसमें हम 1/2 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मेथी हमने बाद में इस्तेमाल की है, क्योंकि पहले अगर डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी और इसके बाद ये कड़वी लगने लगती है। तो ये देखिए, हमारे खड़े मसाले जो हैं बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू दे रहे हैं। इन्हें हम धीमी आंच में भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इस तरह से इसमें डाल देंगे, इसका बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और ये हमने करीब 10 से 12 पत्ती मीठी नीम की, जिसे हम करी पत्ता भी कहते हैं, इसमें डाल देंगे और इस तरह से भून लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बेसन वाला घोल। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसमें बेसन का घोल डाल दिया है और इसे अब हम कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ी है ये और बेसन का घोल है, मट्ठे में ये मिला हुआ है बेसन। अगर हम इसे अच्छे से नहीं चलाएंगे तो ये फट जाएगा और पानी पानी सा हो जाएगा। इसलिए इसे हम जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए तब तक इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे लगातार चलाते हुए करीब 5 से 10 मिनट हो रहे हैं। और अब ये देखिए, धीरे धीरे इसमें थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस आ रही है। और ये देखिए, हमारी जो कढ़ी है पहले से थोड़ी सी थिक हो गई है। फ्रेंड्स, जब ये थोड़ी सी थिक हो जाए इस तरह से, तब आप इसे छोड़ सकते हैं धीमी आंच पे। तो अब इसी स्टेज पे इस पर हम डाल देंगे करीब 1/4 चम्मच हींग को हमने पानी में घोल के डाल दिया है और नमक डाल दिया है स्वादानुसार। हींग का पानी डालने से जो हमारी कढ़ी का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से कढ़ी हमारी थोड़ी सी थिक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पकते हुए करीब 1/2 घंटा हो गया है। और कढ़ी जब तक पके ना बहुत अच्छे से, तब तक कढ़ी हमारी अच्छी नहीं बनती है। तो इसी स्टेज पे हमने इसमें 4 मिर्ची हैं जो स्लिट करके हमने इसमें डाल दी है। तो इस तरह से डालने के बाद में इसे चलाएंगे, कुछ देर और पका लेंगे। और अब हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम इस तरह से तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 6 से 7 पत्ती मीठी नीम की और 2 खड़ी लाल मिर्च। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डालेंगे और कढ़ी में हम तड़का लगा देंगे। इसके ऊपर हम इसी तड़के में थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और ऊपर से इस तरह से देखिए हमारा तड़का कितना सुंदर लग रहा है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए तैयार है हमारी राजस्थानी मारवाड़ी कढ़ी। इस कढ़ी में हम पकौड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।